मैं हूं सुनील बॉबी, आप देख रहे हैं मगध संवाद। आज की बड़ी खबर, डीएलएड शिक्षक आज सरकार के खिलाफ दायर करेंगे याचिका। निजी विद्यालय के डीएलएड शिक्षक आज सरकार के खिलाफ और एनआईओएस के खिलाफ दायर करेंगे हाई कोर्ट में याचिका। अब पूरी खबर जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहे अपडेट। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलेंगे। अब पूरी खबर विस्तार से। प्रदेश के औरंगाबाद जिला मुख्यालय में गेट स्कूल के मैदान में मंगलवार को एनआईओएस डीएलएड औरंगाबाद शिक्षक संघ की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एनआईओएस डीएलएड शिक्षक हाईकोर्ट पटना में बिहार सरकार व एनआईओएस के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेंगे। बैठक में जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि एनआईओएस डीएलएड के माध्यम से पास अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। शिक्षकों ने जो डिग्री प्राप्त की है उसे अमान्य करार दिया गया है, जबकि पहले यह घोषणा की गई थी कि उक्त कोर्स 2 वर्षों का होगा, लेकिन कोर्स को 18 माह के लिए मान्य किया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार, कोषाध्यक्ष रंजीत कुमार, सचिव नवीन कुमार, मीडिया प्रभारी राम इकबाल, प्रवक्ता शानू, नवनीत कुमार, अभिषेक कुमार, दानू, उदय कुमार, प्रीतम कुमार, राकेश कुमार यादव आदि मौजूद थे। जानकारी के अनुसार बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस ने डीलेट करने वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि 18 माह का डीलेट कोर्स प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता में शामिल नहीं है। इसको लेकर डीलेट शिक्षकों में काफी आक्रोश है। वह कोर्ट और सड़क दोनों के शरण लेने की योजना बना रहे हैं। डीलेट शिक्षक मुना पटेल ने कहा कि सरकार डीलेट शिक्षकों के साथ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो गलत है। इसको लेकर शिक्षक सड़क से लेकर कोर्ट तक आंदोलन करेंगे। गौरतलब हो कि एनआईओएस से डीएलएड कोर्स निजी विद्यालय के शिक्षक काफी संख्या में किए हैं और यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बहाली बिहार सरकार के द्वारा ली जाएगी, लेकिन एन समय पर बिहार सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया कि एनआईओएस से डीएलएड किए शिक्षक बहाली में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद डीलेट शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। अब कोर्ट के शरण में जाने की तैयारी है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं या नए आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक, शिक्षा और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।